ये देख लो सर, ठीक है मैंने देख लिया। देखो डांस, अब देखिए इनका चैनल है आरती ब्लॉग करके, स्टार्टिंग से ही देखो ठीक है, शुरू से जैसा बनना है देखिए उनसे तो काफी बेटर बना रहे हैं। आरती ब्लॉग मथुरा करके इनका चैनल है, 2022 में 6 नवंबर को इनका चैनल बना है, ठीक है। अब लॉन्ग वीडियोस की बात करें तो लॉन्ग वीडियोस बनाती है, लॉन्ग वीडियो व्यूज है, ठीक है। अब ये बाद में आने लगे हैं आपके, इस आगे शुरू वाले में देखो थोड़े बहुत ही थे, अब जाके हुए हैं इनके शॉर्ट वीडियो के बाद में। तो दोस्तों जैसा कि आज आप सब देख पा रहे हैं, अभी हम दिल्ली आए हुए हैं और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं पूनम स्वामी जी, और इनके कुछ ऐसे डाउट्स हैं यूट्यूब वीडियोज को लेके जो बहुत सारे यूट्यूबर को होते हैं, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग यूट्यूब पे काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं, और जिसके कारण हमारा चैनल कभी ग्रो ही नहीं हो पाता, हम चाहे कितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दें। अब देखिए इनका जो चैनल है, सबसे पहले मैं आपके सामने इनका चैनल ओपन कर देता हूं और इनका चैनल थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि साधारण ब्लॉग चैनल का नाम है, और इनका जो ये चैनल है इस पर इन्होंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, लेकिन इन्हें अभी तक कुछ चीज़ें हैं जो पता ही नहीं है, जिसके कारण इनकी चैनल जो है ग्रो नहीं हो पा रही है। अभी देखिए सबसे पहले हम चैनल में चलेंगे और चैनल का अगर अबाउट सेक्शन देखें तो इनके चैनल को 2023 में बनाया गया है 3 जनवरी को। अब आप समझ सकते हैं कि अभी 2024 आ गया और लगभग लगभग एक साल हो गए, और एक साल से लगभग लगातार ही काम कर रही है चैनल पे, है ना मैम, कंटिन्यू। और इन्होंने काफी वीडियोस अपलोड की हैं। यहाँ पे आप देखिए अगर इनकी वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि कितनी सारी वीडियोज इनकी जो है सो अपलोड हो चुकी है। ये तो लॉन्ग की वीडियोज है, साथ ही साथ शॉर्ट में भी इन्होंने काफी सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। अब आप एक बात बताइए मैम कि ये जो 1000 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, ये ऑटोमेटिक हो गए कि कैसे हुए? नहीं ये ऑटोमेटिक हुए, शॉर्ट वीडियो से आए हैं, लगभग तो शॉर्ट वीडियो से आए हैं। हाँ, अपलोड वीडियो, ये लॉन्ग वीडियो हो इन पे। अब ये जो 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं ये आपके वीडियोज में ऑटोमेटिक हुए। लोग कहते हैं चैनल ग्रो नहीं होता, चैनल ग्रो नहीं होता। अगर चैनल ग्रो नहीं होता तो ये ऑटोमेटिक आपके 1000 सब्सक्राइबर कैसे होते, आप खुद सोचिए। देखिए दो तरीकों से चैनल ग्रो होता है, या तो धीरे धीरे चैनल ग्रो होना शुरू होता है, ठीक है, जिससे हम 1000 सब्सक्राइबर पहुंचते हैं, और किसी किसी का चैनल तेजी से ग्रो होता है, ठीक है, जिसपे कि हम लाखों में हजारों में सब्सक्राइबर में पहुंचते हैं पूरा एक साल में 1000। तो आपकी वीडियोस में मैं बता रहा हूँ कि देखो आपकी वीडियोस में क्या कमियां हैं जिसके कारण आपका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है। आपने जैसा कि पूछा, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपका थंबनेल सही नहीं है, जैसे आप वीडियो बना रहे हो तो कुछ खास पल आपने लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपने ये वीडियो बना दिए, इसमें आपने कुछ लिखा ही नहीं है, ये माय फर्स्ट ब्लॉग आपने लिख दिया है, ये 2024 का डाला था ना, तो इसमें आपने कुछ थंबनेल दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ मैम, आप मेरी वीडियो क्यों देखते हो, दिल से बताना सच्चाई के साथ कि आप मेरी वीडियो क्यों देखते हो, क्योंकि आपको यूट्यूबर बनना है, ठीक है, आपको यूट्यूब पे ग्रो होना है, आपको अपना चैनल ग्रो करना है और आपको यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, आपकी वीडियो कोई क्यों देखेगा, क्या रीजन होना चाहिए कि आपकी वीडियो को कोई देखे? क्या आप वीडियो में कुछ इंटरटेनमेंट कर रहे हो, या फिर आप अपनी वीडियो में कुछ सिखा रहे हो या कुछ बता रहे हो, आखिर आप कर क्या रहे हो बताओ? ये जो आपकी लॉन्ग में वीडियोस हैं इसमें तो कुछ भी नहीं है, है कि नहीं? अब वो तो ऐसे ही, हाँ, तो ऐसे ही कर दी। तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि जब हम वीडियोज बना रहे हैं तो कोई हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेगा, कोई हमारे वीडियोस को क्यों देखेगा, ये रीजन क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, यूट्यूब पे के पास हम वीडियोस अपलोड कर दें और चैनल बना लिया और हमारा चैनल ग्रो हो जाए, क्यों ग्रो होगा आप बताओ? कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसी बात होनी चाहिए जिससे आपका चैनल ग्रो हो। अब चलो आ जाते हैं, मान लो शॉर्ट वीडियो में आप डांस की वीडियो बनाते हो, डांस करते हो, ठीक है, लेकिन डांस करने का भी जैसे क्या होता है ना कि वीडियो जब हम बनाते हैं ना तो एक प्रोफेशनल तरीका होता है डांस का। जैसे आप मान लो वीडियो बना रहे हो तो आपने डांसिंग की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, वो कितने प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, म्यूजिक किस लेवल पे यूज किया जाता है। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे लोग है ना ऐसे ही यूट्यूब से म्यूजिक उठा उठा के वीडियो बनाते हैं। अरे बाद में ऐसे वालों पे बहुत ज्यादा, जैसे हाँ, मैंने बना रखे ना आपको, मैं दिखाऊंगी ऐसे लोगों को, मैं समझ रहा हूँ ऐसे तो, बहुत सारे लोग बनाते हैं हमारी तरह, लेकिन मैं आपको मिलियन दिखाऊंगी आपको, मैं जो जैसा नॉर्मली ऐसे घूमते फिरते चल लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि अच्छा एक आप बात बताओ, मान लो कि आप घूम रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई नहीं देखेगा क्योंकि आपको कोई नहीं जानता। मान लो कोई सेलिब्रिटी है, मान लो कि आप कोई एक्ट्रेस ले लो, कैटरीना कैफ, वो अगर घूम रही है तो उसको सब कोई क्यों देखेगा? तो रीजन ये है कि वो एक्ट्रेस है, वो पहले से फेमस है। आप भी अगर अपने चैनल पर सर ऐसे लोगों को आपको दिखाऊंगा, एक आरती ब्लॉग के नाम से एक चैनल है, वो अभी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चला, आपको देख रहा हूँ। अच्छा चलो सर्च ही कर लेते हैं, आपने जब बोल ही दिया तो आरती ब्लॉग सर्च कर लेते हैं, क्या है भाई उनके चैनल में, देख लेते हैं।
ये देख लो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने देख लिया। देखो डांस, अब देखिए इनका चैनल है आरती व्लॉग करके, स्टार्टिंग से ही देखो। ठीक है ठीक है, उनसे से तो काफी बेटर बना रहे हैं। आरती व्लॉग मथुरा करके इनका चैनल है, 2022 में 6 नवंबर को इनका चैनल बना है। ठीक है, अब लॉन्ग वीडियोस की बात करें तो लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो व्यूज है। ठीक है, अब ये बाद में आने लगे आपके, इस आगे शुरू वाले में देखो थोड़े बहुत ही थे, अब जाके हुए हैं इनके शॉर्ट वीडियो के बाद। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, मान लो हम पॉपुलर में चले और ओल्डेस्ट में चले। ठीक है, 11 महीने पहले इनकी वीडियो अपलोड की गई है, माई फर्स्ट व्लॉग। ठीक है, पहले इसने शुरुआत की थी वो शॉर्ट से किया, ठीक है। अब मान लो कि शॉर्ट व्लॉग डालती ही नहीं थी पहले, मान लो कि जैसे शॉर्ट वीडियो इनके वायरल हो गए। ठीक है, अब देखो देखो क्या है इनमें, देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, ये कितने दिन पहले वीडियो वायरल हुआ आप खुद देखो। ये कम से कम वीडियो मुझे नहीं भी लग रहा है ना, तो प्ले बटन का पहला वीडियो इनका वायरल हुआ है। नहीं नहीं, वायरल तो काफी भी हो रखे थे, वायरल 1 मिलियन हुआ था पहले, एक ब्लॉग में बता रही है। हुआ तो था, ये तो बाद में तो सारे होने लगे ना, एक होने के बाद तो सारे। तो देखो जरूरी नहीं है कि आज जो वायरल हो जाए ना वो कल भी वायरल हो, इनका वायरल हो गया तो ऐसा नहीं कि हर किसी का वायरल हो, बात समझ रहे हो? नहीं ये नहीं बोल रहे हर किसी का, आप बोल रहे हैं ना कि ऐसे सॉन्ग मतलब डांस वगैरह चलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस चैनल से अर्निंग उस हिसाब से नहीं हो पाती है, जिस हिसाब से आप अर्निंग की बात कर रहे हो उस हिसाब से अर्निंग नहीं हो पाती है ऐसे चैनल से। ठीक है, और इनका जो भी मान लो डांस है, जो भी चीजें है, उनका बैकग्राउंड आप देख लो किस तरीके से बनाया हुआ है। आपका क्या बैकग्राउंड इस तरीके से है आप बताओ? तो कुछ लोग सिंपैथी भी दिखाते हैं, आप मान लो कि कोई अपने जैसा वैसा हम दिखा, सर इनको जैसा वो ये दिखा देते जैसा हमारे घर में वैसा दिखा, अब कहां जाएंगे मतलब अलग से कोई झोपड़ी थोड़ी ना बनाएंगे चैनल। अब देखो ज्यादातर वीडियो तो ऐसे भी वायरल होती है कि रोड पे कोई डांस कर रहा है ट्रैफिक के बीच में, उनका वायरल हो गया, तो ऐसी भी चीजें होती है। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो मुझे 10-12 साल यूट्यूब पे हो गए, मैं आपको सच्चाई बताऊं ना तो इस तरह की वीडियो बना के आप यूट्यूब से पैसे नहीं कमा सकते। टू बी क्लियर जो आपको बता रहा हूं, पैसे कमा ही नहीं सकते ऐसी वीडियो से आप, क्योंकि देखो इसमें तो पहली बात म्यूजिक किसी और का है। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो से अर्निंग कभी भी नहीं होती है, आप अगर कहीं पे भी देख लेना। ये तो सब्सक्राइब वगैरह के लोग बना लेते हैं, के लिए बनाते हैं। जब भी आप लोग ज्यादातर शॉर्ट वीडियो को देखना जब भी आपकी अर्निंग होगी तो लॉन्ग वीडियो से ही होगी। और आपकी वीडियो में मैंने क्या चीज देखा कि देखो हर चैनल का ना नीश अलग होता है, जरूरी नहीं कि आपके चैनल पे जो वायरल हुआ वो किसी और के भी चैनल पे हो, और किसी और के चैनल पे हुआ वही आपके चैनल पे ये भी हो। नहीं होता। अब मान लो कोई वीडियो हमने अपलोड कर दिया तो हमारी वीडियो वायरल हो गई, वही आप अपने चैनल पे डालोगे तो वायरल नहीं होगी, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके चैनल पे इस तरह की थंबनेल वाली वीडियोस चलती हैं। ठीक है, शॉर्ट में जो थंबनेल लगा के वीडियो बनाते हैं, देखो इसमें आपका 14,000 व्यू हुआ, तो कहीं ना कहीं तो ये वीडियो तो आपका वायरल तो हुआ है ना, कहीं ना कहीं तो लोगों तक पहुंचा है आपका ये वीडियो, है ना। तो आपकी वीडियो इसी तरह की चलेगी, आप थंबनेल बनाओ। अब जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि थंबनेल हम कैसे बनाए, हमारी वीडियो में तो थंबनेल नहीं हो पा रहा है सर, थंबनेल हमारी वीडियो में नहीं वो हो पा रहा है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि थंबनेल लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। आप तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट पे किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो है सो आपकी वीडियो जैसे ही लोड हुई तो मैंने यहाँ पे अपलोडिंग पे जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे मान लो ये वीडियो आपको अपलोड करनी है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, डन पे क्लिक किया, अब ये वीडियो जो है आपकी अपलोड यहाँ पे होने लगी। अब ये जैसे ही पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो प्रोसेसिंग होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको जब VN आप जब VN ऐप से अपने वीडियो को एडिट करोगे ना तो उसी टाइम आपके वीडियो में जो है सो लिखना होगा जो भी आप थंबनेल में लिखना चाहते हो। ठीक है, तब ये वीडियो जाके यहाँ से जो है ना आपकी दिखेगी। मान लो आपने यहाँ पे जो है सो इस तरीके से सेव कर लिया, है ना, प्रोसेसिंग हो गई। अब प्रोसेसिंग होने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे आपको थंबनेल का ऑप्शन मिल गया। अब आप यहाँ पे जो भी VN ऐप में लिखे रहोगे यहाँ से आप जो है सो थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हो, डन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है यहाँ पे डन हो जाएगा, उसके बाद आप टाइटल डाल दो और उसके बाद जो है सो पब्लिश कर दो, तो थंबनेल वाली आपकी वीडियो चल रही है। तो यहाँ पे थंबनेल वाला वीडियो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है सो आपकी थंबनेल वाली ही वीडियो वायरल हुई है, थंबनेल वाली ही वीडियो आपकी यहाँ पे चलेंगी जैसे यहाँ पे ये वायरल हुआ है। अब इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को यही नहीं पता था कि थंबनेल कैसे लगाया जाता है शॉर्ट वीडियो में, तो दोस्तों इस तरीके से आप शॉर्ट वीडियो में लगा सकते हो थंबनेल। और देखो चैनल तो ग्रो होगा ही, ऐसा नहीं कि चैनल ग्रो नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले दो चीजों से चैनल ग्रो होता है, या तो आप कुछ ऐसा बनाओ जिससे जो है लोग इंटरटेन हो, या फिर कुछ सीखें, या फिर उनको नॉलेज मिले। ऐसे ही अगर सोच के आप वीडियो बनाओगे चलो कुछ भी बना दिया और चैनल ग्रो हो जाए, तो ये होना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है,
तो दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सरदान ब्लॉग, साधारण ब्लॉग, साधारण ब्लॉग अगर आप रखते हो तो SADHARAN लिख देना आप, साधारण मतलब कि साधारण मतलब सिंपल, हाँ तो उस तरीके से लिख देना आप, साधारण ब्लॉग चैनल का नाम है। और ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करिएगा और अब आगे से इम्प्रूवमेंट करेंगी, बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, जब बिगिनर होते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता है कि क्या चैनल पे अपलोड करना है, तो अब जो है अच्छी वीडियोस आएंगी और इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।